तो नमस्कार दर्शकों, कर्क राशि वाले जातकों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके लिए बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल की, और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए, जिनकी चंद्र राशि कर्क है उनके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 15 से 21 नवंबर तक की। तो ये तीसरा सप्ताह है आपके लिए नवंबर में, और ये 15 से स्टार्टिंग हो रही है हमारे इस वीडियो के अनुसार। तो सबसे पहले देखेंगे 15 और 16 को। 15 और 16 को चंद्रमा आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे राशि स्थान से, जहाँ पर ये वृश्चिक राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि में नीच के हो जाते हैं चंद्रमा, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट तो यहाँ पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुल मिलाकर संतान से संबंधित अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। साथ ही आपको एजुकेशन में कोई काम आप नया करना चाहते हैं, कहीं आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, स्कूल या कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, या कहीं आप अपने धन को इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर बाजार में, जुआ सट्टा लॉटरी वगैरह में आप काम करते हैं, तो इनमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। साथ ही साथ चंद्रमा के यहाँ होने से मानसिक रूप से परेशानी जरूर होगी, आप मन में थोड़ा सा भावुकपन जरूर आपके दिखाएंगे। साथ ही पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर है, तो ये भी आपको प्रेम संबंधों में सफलता नहीं दिलाएगा। साथ ही साथ चंद्रमा आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो लाभ को लेके अनिश्चितता आपके जरूर रहेगी, धन को लेके अनिश्चितता रहेगी। जो भी काम आपके नॉर्मल तरीके से चल रहे हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि आपको पता है पंचम भाव बुद्धि का है, तो पंचम भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा का ट्रांजिट थोड़ा सा मन को लेके बुद्धि को लेके परेशानी जरूर दे सकता है, और ये आप में भावुकता बहुत ज़्यादा दे सकता है। तो अपने जो निर्णय हैं आप बहुत सोच समझ कर करें, और समय पर आप निर्णय करें, जिससे आपका जो काम है वो ज़्यादा सफल होगा। साथ ही देखिए, आप में कोई क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी जिन लोगों में है, या जो कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं या कुछ नया सीख रहे हैं, ऐसा सृजनात्मक जो आपकी शक्ति है उसका प्रदर्शन आप करना चाहेंगे, लेकिन आपको उतनी सक्सेस नहीं मिलेगी जितनी आपको मिलनी चाहिए। साथ ही जो कलाकार लोग हैं उनके लिए समय सामान्य रहेगा। तो धन से जुड़े हुए जितने भी मैटर हैं उनमें थोड़ा सावधानी जरूर बरतें, आपके जो काम है वो नॉर्मल तरीके से ही चलते रहेंगे। जिनका कोई बिजनेस वगैरह है उनके लिए मार्केटिंग का काम बहुत अच्छा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें आपको फ़ायदा नहीं कहा जा सकता। इसके बाद जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं 17 और 18 की, तो 17 और 18 को चंद्रमा आपके लिए यहाँ से निकलकर छठे भाव में चले जाएंगे, जहाँ पर ये धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में चंद्रमा यहाँ अपने मित्र राशि में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छठे भाव में होने से अब आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं घेर सकती हैं। विदेश से जुड़े हुए कार्य में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है कर्क राशि वाले जातकों को, लेकिन कुल मिलाकर थोड़ी सी परेशानी जरूर रहेगी। आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, किसी के साथ विवाद में आप पड़ सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कष्ट आपको मुख्य रूप से मानसिक रूप से हो सकता है। तो ये परेशानियाँ रहेंगी, किसी के साथ भी आप वाद विवाद में ना पड़े। इसके साथ ही धन संबंधी मामलों में थोड़े से सावधान जरूर रहें। आपको स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है, या हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो ये सारी समस्याएं आपके लिए इस समय में रहने वाले, और जहां आप काम करते हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, वहां का वातावरण आपको इस समय में बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। वो प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। साथ ही आपको अनिद्रा की समस्या रहेगी, थोड़ा सा जो आपका रूटीन है वो खराब रहेगा, तो रूटीन को लेके आपकी काफ़ी सारी समस्याएं रहेंगी जिनसे आप निपट नहीं पाएंगे, और ये समय कोई भी अच्छा डिसीजन लेने के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो जो भी डिसीजन आप इस समय में करते हैं उनको आने वाले समय के लिए आप आगे टाल कर चलें। इसके बाद हम चर्चा करते हैं यहाँ पर 19 और 20 की। 19 और 20 को चंद्रमा आपके लिए सप्तम भाव में मकर राशि में ट्रांजिट करेंगे। यहाँ पर ये मकर राशि में रहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। बिजनेस को लेके कोई काम करना चाहते हैं नया, या पहले से आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप का मौका चाहते हैं कि पार्टनरशिप का मौका मिले और आप पार्टनरशिप करें, तो ऐसे कार्यों में भी बहुत अच्छी सफलता नहीं कही जा सकती। साथ ही जीवन साथी के साथ हालांकि आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे,
लेकिन थोड़ा सा जो भावुकपन है उसका शिकार आप हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ हो सकती है। तो चंद्रमा यहाँ से आपके राशि स्थान को देखेंगे, राशि स्थान को देखने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। आप में आलस से जरूर रहेगा और कोई भी निर्णय को लेके एक बार फिर से परेशानी आपके लिए रहेगी। तो ये जो समय रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जुपिटर भी आ चुके होंगे और सिक्स लॉर्ड आपके सप्तम भाव में आ चुके होंगे, तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य है आपका और आपके जीवन साथी का दोनों का ही प्रभावित होगा, और ये समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता आपके लिए। कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, तो ये एक अच्छा वीक नहीं कहा जाएगा आपके लिए, बहुत अच्छा वीक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि शुरुआत में आपके लिए चंद्रमा नीच के हो रहे हैं, फिर वो सिक्स्थ हाउस में जा रहे हैं, फिर वो सप्तम में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो नीच के गुरु के साथ और शनि के साथ ट्रांजिट में रहेंगे, तो ये सबसे खराब वीक आपके लिए कहा जा सकता है। अब ऐसा नहीं कि हम इसमें कुछ आपके लिए जोड़ रहे हैं, जो आपके साथ जैसा घटित होना है वैसा ही हम आपको बताने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। साथ ही साथ लेकिन आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, आपको अच्छी तरह से सीरियसली काम करना चाहिए, और जितनी एनर्जी के साथ आप काम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा ये साबित होगा। साथ ही आप बहुत ज़्यादा भावुक होने से बचें, अपने जीवन साथी के प्रति, अपने बिजनेस पार्टनर्स के प्रति, और कहीं ना कहीं अपने खुद के प्रति भी, तो आपके लिए समय कुल मिलाकर अच्छा कहा जा सकता है। इसके बाद का जो ट्रांजिट रहेगा 21 नवंबर की हम बात करते हैं, 21 नवंबर को चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे, कुंभ राशि में ट्रांजिट करते हुए आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव में जाने से आपके लिए अचानक दुर्घटना वगैरह का संकेत मिलता है, आपको अचानक धन का नुकसान हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है तो इस समय में मानसिक रूप से परेशानी होना, काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और कुछ स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा समस्याएं आपको इस समय में घेर सकती हैं, तो ये समय थोड़ा सा अच्छा नहीं कहा जाएगा। अंत में जाते जाते ये समय आपके लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रहा है, तो ये जो वीक रहेगा कुल मिलाकर उसको मैं सबसे खराब वीक आपके लिए कह सकता हूँ। अब इस वीक में आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं, तो इस वीक में आप मेडिटेशन का सहारा जरूर लें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ आप शिव चालीसा की कंटिन्यू पाठ करें सुबह और शाम को, और जो लोग कर रहे हैं उनको ज़्यादा कोई मानसिक परेशानी नहीं होगी। तो कुल मिलाकर ये जो समय रहेगा सामान्य रहेगा, जो भी परेशानियां आती हैं उनसे आपको निपटने का प्रयास जरूर करना चाहिए। साथ ही चंद्रमा यहाँ से आपके वाणी के स्थान को देख रहे हैं, आपकी वाणी में काफ़ी ज़्यादा मधुरता होगी, जिससे आप लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित कर पाएंगे, और कोई काम आप निकलवाना चाहते हैं किसी से तो वो काम भी आप इस समय में निकलवा पाएंगे। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को पूरा सपोर्ट करेंगे और उनके साथ एक अच्छा संबंध आप बनाकर रखेंगे, तो ये इस वीक में आपके लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। साथ ही अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस वीक में शुभ अंक और रंग की। आपके लिए शुभ अंक रहेगा 9 और आपके लिए शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा ब्लैक कलर। तो फिलहाल बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।